उन्हें बारे दिखेना ग्डी के फ्यूचर इन कहरे फंक्शन इन तो आओ हूँ तुसा मेरे नाल ही देखो तो बहरों ही देखो तो चलो मिलते हैं ये गाड़ी के अंदर के जो फ्यूचर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ये स्क्रीन पे दिखा रहा है कि डोर ओपन है तो इसको बंद करें यह भी देखें बंद हो गया तो इसमें बहुत सारे फ़ीचर हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर एक तो ये है कि जब आपके नज़दीक कोई गाड़ी यहाँ पे आ जाए तो अगर आपने ब्रेक नहीं मारी तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक ही गाड़ी के खुद बखुद लग जाएगी एक तो यह दूसरा ये है कि जब आपका डिस्टेंस गाड़ी से कम हो जैसे कहते हैं कि एक गाड़ी जितना होना चाहिए तो अगर वो आपका नहीं है तो ये यह आपको यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर आपको इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे आएगा कलेक्शन वार्निंग कि एक्सीडेंट होने वाला है अल्लाह ना करे कि भाई आप उसको ख्याल करें और दूसरा ये है कि सिग्नल पे अगर कहीं गाड़ी खड़ी होती है तो आप कहीं मसरूफ़ होते हैं बात कर रहे होते हैं या बंदा फ़ोन देख रहा होता है तो वो फिर आपको बताते हैं कि भाई आगे वाली गाड़ी चली गई है अब आप भी चलें तो ये है इसके फ्यूचर बाक़ी ये है इसका यहाँ पे एसी वग़ैरह का फंक्शन है हीटिंग का फंक्शन है सब कुछ है और ये इसकी एलसीडी है और ये अब आपको मैं इसको दिखा देता हूँ बैग से ये आप देख रहे हैं वो जो साइड पे सीट है ये वाली ये मेरा जो बेटा है रिहान गयूज़ किया है ये बेटी की है आयरा की ये छोटी की है हुरैन की और ये बस सात दिन की वाटर बाटल पड़ी होती है अगर पानी शानी पीना हो तो ये सी, ये भी सीट है इसको नीचे किया होता है वैसे खाने पीने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो टेबल भी बन जाती है और इसमें बंदा भी बैठ सकता है और एक ये सीट है तो तीन पीछे सीट हैं तीन ये सीट हैं छः और दो फ्रंट पे हैं एक ये है और एक जो जहाँ पे मैं बैठा होता हूँ गाड़ी चला रहा होता हूँ तो इसकी आठ सीट हैं और अब मैं अब आप, आपको इसका ये बता देता हूँ ये इसका है सीट हीटिंग करती है ये स्टेरिंग हीट का है और ये कैमरे के हैं ये उस साइड वाली हीट का है ये जो है हीटिंग होती है यहाँ पे सर्दियों में ताकि आपको जो है ना ठंड ज़्यादा ना लगे और ये स्टेयरिंग जब आप चलाएं तो इसको जो है ना गर्म कर देते हैं वो हीट होती है इसमें तो ये आपको ठंडा नहीं लगता है बाकी ये इसके फंक्शन है यहाँ पे ये लॉक है अनलॉक है ये आपके कॉल के फंक्शन हैं ये वाईफाई इसके साथ अटैच हो जाता है ये फ़ोन के हैं और ये आपको स्पीड और चीज़ों के ये फंक्शन यहाँ पे बताता है और ये है ड्राइव मूड कि आपने इसको स्पोर्ट्स में चलानी है या नॉर्मल इकॉनमी में चलाना है जिस में चलाना है तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये चल जाएगी बाकी ये है, है हैंड ब्रेक जब हम पार करते हैं तो हैंड ब्रेक ऊपर कर देते हैं ये ऑटो होल्ड का है ख़ुद भी लग जाती है अगर आपने पार की तो वो ख़ुद हैंड ब्रेक खुद ही हो जाएगी और ये है इसका जो है ना वायरलेस चार्जर्स है यहाँ पे हम फोन रख देते हैं और फ़ोन ख़ुद ब खुद चार्ज होता रहता है होता तो स्लो है लेकिन चार्ज होता है तो इसलिए ये मैंने फिर फास्ट सात केबल लगाइया इससे जल्दी हो जाता है तो ये बैटरी यूएसबी ये उनके फंक्शन है और ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का है। इसमें चाबी नहीं है बस रमोंड से ही है और रमोंड के और भी इसमें फंक्शन हैं ये है इसमें लॉक अनलॉक ये जो इसका यहाँ पे ट्रंक कहते हैं हम लोग तो डिग्गी वहाँ पे कहते हैं ये उसका डोर ओपन हो जाता है और ये आप एक ये देख रहे होंगे ये वाला फंक्शन जहाँ पे मेरा अंगूठा है तो ये अगर आपने गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी कर दी है और आपको वो नहीं मिल रही है कि कहाँ पे है तो आप ये दबाएंगे तो वो आपको गाड़ी के पास लेके जाएगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे है आप जाएँ आप अपनी गाड़ी को तो भूल गए हैं लेकिन गाड़ी आपको नहीं भूली है तो बाकी ये इसके लाइटिंग के फंक्शन है यहाँ पे तो सब कुछ ऑटोमेटिक है 2020-2022 ये गाड़ी ली है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है लाख लाख और बाकी ये साथ एक मेरी वाटर बॉटल होती है और एक आयशा खान की और ये हमारा ये इसमें खाने पीने का सामान होता है और बाकी सैनिटाइज वगैरह रखा होता है क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है यहाँ पे और इसके जो डोर्स हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं बाकी ये एसी का फंक्शन है यहाँ पे और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका यह देखें इसका यहाँ से भी ओपन हो जाता है चलो एक हाथ से ओपन करते हैं ये अब उसके बाद इसको मैं रिमोट से बंद करूँगा तो ये अब आप देखें यह बंद हो जाएगा ठीक है तो ये रिमोट से हो गया अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि रिमोट से ओपन कैसे होता है पहले तो मैंने खोला है तो अब ये मैंने हाथ में की है तो ये आप देखें डोर ओपन हो रही, ठीक है देखे? ये डोर ओपन हो गया जब आपने इसको बंद करना है या बच्चे उतार रहे होते हैं तो इसका सेफ्टी फ्यूचर है इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं कि ये जो है ना खुद ब खुद अगर आप इसको बंद भी कर दो तो अगर बच्चे उतर रहे होंगे तो डोर बंद नहीं होगी कि यहाँ से भाई बच्चे नहीं उतरे हैं तो वो बंद नहीं होती है डोर फिर क्योंकि बीच में अगर कुछ ऐसा आ जाए तो सेंसर उसको कहता है कि नहीं बच्चे उतर रहे हैं या वो है तो इस वजह से ये अब देखें इसको मैंने बंद कर दिया तो ये अब ये बंद हो गई है तो दूसरा जो इसमें इकानमी घर है बिल्कुल अच्छी है शुक्र है इतना फ्यूल भी लगता तो है ये अब देखें तो लेकिन यह है कि बंदा मैनेज करने वाला हो तो वो कर सकता है बाकी जो इसका ये ओपन होता है तो मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा ये अब देखें कि ये ओपन हो जाएगी ये जो है इसका ट्रांग ये ऑटोमेटिकली ही ओपन होता है ये ये अब आपको आवाज़ आ रही होगी कि यह खुलने वाला है तो ये अब खुल गया है यह देखें अब ये इसमें बच्चे की ये अस्ट्रॉलर है ये उनकी बॉल वगैरह पड़ी हुई है और ये पानी की बॉटल वगैरह है वो समान पड़ा हुआ है सारा तो इसमें सारा समान ये पड़ा होता है बच्चों का खेलने का पार्क शार्क आते हैं अभी ये बीम दे रहा है कि सामान रख लिया तो आ जाए फिर ये बंद हो जाए अब मैं पीछे हटूंगा तो ये बंद होगी देखें ये खुद खुद ये बंद होती है और खुद बहुत ये खुल जाती है ये इसलिए है कि ग्रवासरी का सामान बंदा यहाँ पे लेता है तो वो बहुत है तो बंदा नहीं उठा सकता है अगर तो वो फिर साथ खड़े हो जाए खुल जाती है और भी ऐसी कोई भारी चीज़ें हों तो ये इसका साइड से व्यू है जहाँ पे फ्रंट से व्यू गाड़ी का माशाल्लाह जी है ये इसका ड्राइवर साइड से व्यू